guys, assalam alaikum. Hope you all are fine. Welcome to Crash Food Craving. आज ये बना रही हूँ चिकन नगेट्स और ये इंशाल्लाह बहुत डिलीशियस बनेंगे. जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो एज यू कैन सी, ठीक है, अब तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 300 ग्राम इसमें चिकन मिंस्ड मीट लिया है, यानी कीमा लिया है चिकन का 300 ग्राम, जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 पाव होता है, ठीक है. और नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो नाउ आई हैव टेकन 4 ब्रेड स्लाइसेस, ठीक है, 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके मैं चारों के कॉर्नर्स कट कर लेती हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हमने जल्दी से 4 स्लाइसेस कर लेते हैं कट. नेक्स्ट स्टेप अब हम ये करेंगे जनाब कि जो हमने ये ब्रेड स्लाइसेस जो है इनके 4 कॉर्नर जो कट करे थे, तो अब इस ब्रेड को मैं थोड़ा सा वाटर में डिप करती हूँ और उसको मैं हल्का सा इस तरह से मसल के फिर मैं इसमें इसके पीसेज ऐड करूंगी. हाउ, लेट्स चेक इट आउट लाइक दिस. और इसका वाटर जो है प्रॉपरली हमने निकाल लेना है. ठीक है, और अब इसके मैं इस तरह से इसको ऐड करूंगी. वैसे तो आप बिकॉज इससे ये जनाब ये होता है कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये बहुत इजीएस्ट वे है और इससे हमारे नगेट्स बड़े मजेदार बनेंगे. तो अब मैं जल्दी से इसी तरह से जो मेरे बाकी के स्लाइसेस हैं उनको भी मैं इस तरह से जल्दी से ऐड कर देती हूँ. अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस. तो चलिए जल्दी से स्पाइसेस ऐड करते हैं. सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक यानी कि सॉल्ट, जो हम ऐड करेंगे हसबे जायका, और वो मैं अप्रोक्सीमेटली ऐड कर देती हूँ 1.5 टीस्पून. 1 टीस्पून हैज बीन डन एंड लिटिल बिट मोर, आई थिंक इट इज ओवर. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑन इट, जो मैं अप्रोक्सीमेटली ऐड करूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा, लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 टीस्पून. अच्छा, मेरे स्पून जरा छोटा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी. अब मैं ऐड कर रही हूँ व्हाइट पेपर यानी के दखनी मिर्चें, और वो अप्रोक्सीमेटली ऐड करेंगे 1 टीस्पून. नाउ आई एम गोइंग टू एड ब्लैक पेपर ऑन इट, और वो भी मैं ऐड करूंगी अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून. नाउ आई एम गोइंग टू एड सॉस ऑन इट, और वो हम ऐड करेंगे जनाब सोया सॉस, और वो मैं अप्रोक्सीमेटली ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून लाइक दिस. लिटिल बिट मोर, क्योंकि इससे मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है इसका, ठीक है. और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ लिटिल बिट ऑफ चिली सॉस, और वो
अभी हम अप्रोक्सीमेटली ऐड कर देते हैं। ये मैं ऐड करूंगी अप्रोक्सीमेटली हाफ, इतना बस, बिकॉज स्पाइसेस कहीं ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। और अब हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे विनेगर, यानी कि सिरका, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है तो और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर शेप देना है। और फिर मैं इसमें पहले मैदा लगा लेती हूँ, ठीक है। अब जो नगेट्स हमने बनाए थे, इस तरह से पहले हमने उसमें मैदा लगा लिया। अब इसको एग में डिप करेंगे, ठीक है। एग में जो है वो थोड़ा सा हमने मैंने ऐड किया था लिटिल बिट सॉल्ट और ब्लैक पेपर। आप चाहो तो ऐड करो, नहीं ऐड करना तो नहीं करें, नो इशू, ठीक है। एज यू कैन सी, अब इसको इसमें डिप करते हैं, ठीक है। इसको इसमें डिप करेंगे और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे और यही हमारा इसका शेप भी आ जाएगा। आफ्टर दिस मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड करी और ब्रेड क्रम्स के बाद इसको हमने इस तरह से रख दिया। मैं सारी जल्दी से आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी नगेट्स को भी शेप दे देती हूँ। जैसे ये शेप दिया है, इसमें हमने ऐड कर दिया है मैदा। अब इसको भी हम पुट करेंगे एग में जल्दी से, और इसके बाद हम इसको फौरन हम इसमें ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है। और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ ताकि ये सब तरफ लग जाए। आप चाहो तो इस तरह से कोट भी कर सकते हो, और इस तरह से कोट करके, और नाउ आई एम गोइंग टू पुट ओवर दिस हेयर। और इस तरह से मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। गाइस, अब ये है कि जो तेल है वो हमने फ्राई गरम करने के लिए रख दिया है जो हम, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नगेट्स, क्योंकि मेरा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। हमें बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना, क्योंकि जो कीमा होता है वो जरा कच्चा होता है, तो अच्छा है ताकि मीडियम बस हॉट होना चाहिए। और अब मैं ये नगेट्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और मीडियम फ्लेम में अब ये जरा डीप फ्राई हो रहे हैं। तो चलें, जब तक मेरे सब डीप फ्राई हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लास्ट प्रिपरेशन। ओके गाइस, तो हमारे मजेदार से नगेट्स तैयार हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और साथ में आप इसके कोई सा भी सॉस सर्व कर सकते हैं, केचप भी सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी सर्व कर सकते हैं। और ये जो है ये मेरा होममेड सॉस है, होममेड नहीं, बेसिकली मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करी है। लाइक आपने केचप लेना है, केचप में आपने ऐड कर देना विनेगर, और विनेगर ऐड करने के साथ साथ आपने इसमें थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स ऐड करने हैं, और ये मजेदार सी आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। और ये आप नगेट्स के साथ सर्व करें, बहुत मजे के लगते हैं और बच्चे बड़े सब इंजॉय करते हैं। तो प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can, I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay.
Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone.